एलडीएफ यहां कुछ नहीं है, यहां सभी संगठन के लोग, मैंने संगठन के लोगों को यहां पे बुलाया है, यहां पे भीड़ नहीं है, ये 40-50 लोगों के संगठन के पदाधिकारी आए हुए हैं और कुछ 5-7 पॉलिटिकल पार्टी के लीडर और प्रेसिडेंट यहां आए हैं, 2-4 और आने भी लाइन में हैं, अभी आ रहे हैं, हरियाणा से कांत तालड़िया जी आ रही हैं और एक बहुत बड़ा नाम जो हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, हम उनको यहां पे नहीं कोट करेंगे, अभी वो आने वाले हैं, ऑन द वे हैं। तो दोस्तों उद्देश्य एक है, मैं ज्यादा नहीं समय खराब करूंगा क्योंकि हमें इन पे इस बात पे आप लोगों के विचार भी सुनने हैं। उद्देश्य एक है कि अब हमें कम से कम दिल्ली में एक ऐसा माहौल बनाना है, दिल्ली के अंदर इस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा स्थापित करनी है, दिल्ली के अंदर आने वाले लोकसभा में एक ऐसा एजेंडा और प्रोपेगेंडा फैलाना है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी पार्टी हो या संगठन हो या बड़े बड़े राजनेताओं के दिमाग में एक मैसेज जाए कि अब ये लोग कम से कम दिल्ली के अंदर दिल्ली की सत्ता को काबिज करने के लिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे आने वाली विधानसभा हो, सभी लोगों ने अपने मतभेद को मिटाकर, अपने अहम और अहंकार को घटाकर खत्म करके एक लाइन पे जुड़ के कुछ ऐसी समीकरण बना के, ऐसा तालमेल बना के, ऐसे आगे पीछे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके एक धरातल पर आके हम एक ऐसा ऐलान करेंगे आज कि हम इस देश के अंदर जो आज बहुजन समाज का आंदोलन और क्रांति जो हमारे पक्ष में होनी चाहिए, आज इस देश की सत्ता और हुक्मरान हम लोग होने चाहिए, आज इस देश का सारा सिस्टम हमारे सामने झुकना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, एक तो इसके ऊपर हम 2 घंटा चर्चा करेंगे और दूसरा इसके ऊपर एक यहां पे डिसीजन लेके उठेंगे कि हम भले ही एक एक दो दो या क्षेत्र वाइज या जो जहां पे वर्चस्व रखता है, सक्षम है या मजबूत है, उसके अनुसार हम बिल्कुल अहंकार अपने आप को कहीं खत्म करके कम से कम एलडीएफ जो आज तक जो चलती रही है, जिसके संयोजक हम डॉक्टर देशराज, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट गीता रानी, एक बार गीता रानी जी खड़े हो जाएं, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट गीता रानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट अरुणा भारती जी, कम से कम हम ये आज ये ऐलान करेंगे कि अब हम आज तक जो सोशल काम देश के अंदर दिन रात आप लोग हमें देख रहे हैं, समाज जागरण में, देश के जन जागरण में, क्रांति आंदोलन में, हम इस काम को कहीं ना कहीं ले जाके आज के बाद एलडीएफ और एलडीएफ के साथ या एलडीएफ किसी के साथ, दोनों बातें कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि आप एलडीएफ के साथ जुड़िए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि एलडीएफ आपके हाथ में जुड़ने से परहेज करता है। हमारा उद्देश्य साफ है, हमारे बीच में जितने ही भाई बैठे हैं, 3-4 पार्टियों के संगठन के अधिकारी हैं, संगठनों के प्रभारी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह पार्टी के अधिकारी हैं, मोरवाल साहब पार्टी के अधिकारी हैं, एडवोकेट भानु प्रताप जी पार्टी के मालिक हैं, हमारे एडवोकेट रामवीर चौहान जी पार्टी के मालिक हैं, कांता अलड़िया जी पार्टी के मालिक हैं, बनारसी दास जी भी सुबह के चले गए हैं, जीएल भगत जी हमारे पे आने की बात हो गई है, खरेलिया साहब और ठगेला जी और बहुत सारे हमारे और बहुत बड़े जो हमारे जो बिल्कुल साथ चलने के लिए जिनने तैयार वास्तव में जो स्वीकृति दे दी है, डीडीए भी जो रिसेंटली अनाउंस हुआ था, हमारे अशोक अज्ञानी जी और मुकेश राजौर जी, जो सभी लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे किसी के का नाम गिनवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए या है, लेकिन उद्देश्य साफ है साथियों, जो नियत हम लेके चले हैं और वो ये है कि आए एक ऐसा प्लेटफार्म बनाते हैं, एक ऐसा पॉलिटिकल ना हो सके सेमी पॉलिटिकल फ्रंट बनाते हैं। हो सकता है पॉलिटिकल लाइन पे हम कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएं, वो अध्यक्ष कहेगा मेरी सारी मैं यहां चाहता हूं ऐसा करना, दूसरी पार्टी का अध्यक्ष कहेगा मैं यहां ऐसा कर, पूरी मैं चाहता हूं सारा सब कुछ यहां पे उठाना, हो सकता है पॉलिटिकल डिफरेंसेस आ जाए हमारे, हो सकता है सोशल संगठनों के लोग एक साथ आके काम ना करें। हम तो प्योर सामाजिक हैं,
अभी तक हम प्योर सामाजिक थे, ये मेरी बात को ध्यान से हाईलाइट किया जाए। एलडीएफ आज तक सामाजिक संगठन की तरह से देश में काम करती रही है। आज के बाद शायद एलडीएफ एक सोशल विंग रहेगी, उसके हम संयोजक रह के समाज में जागरणा काम करेंगे, जन जागृति करेंगे, क्रांति करेंगे, आंदोलन करेंगे, वो हम लेंगे जिम्मेदारी सामाजिक काम की। लेकिन एलडीएफ के साथ में हम सभी साथी मिलके उसको जो सेमी पॉलिटिकल एक एसोसिएशन या अलायंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी लीडरशिप या हम कहें कि उसकी जो फ्रंट में जो आगे चलाने के लिए हमारा चेहरा होगा, जो हमारी तरफ से जो हम चाहते हैं, जो आज तक हमारे एलडीएफ की राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट की तरह नहीं रही है, वो सेमी पॉलिटिकल विंग बनेगी या वो पॉलिटिकल विंग बनेगी सभी की सहमति से। वो उस संगठन में जैसा भी आप सब लोग जिस भी जिम्मेदारी को हम आपस में शेयर करते हुए आगे बढ़ाना चाहेंगे, उस विंग की जिम्मेदारी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट गीता रानी की देखरेख में एक अलायंस या हम सब लोग के बीच में एक समंजस से एक ऐसी बॉडी का गठन किया अब आज करेंगे हम लोग, जो एक संदेश ये क्लियर देगा कि ये अलायंस ना तो किसी हमारे बहुजन समाज के आंदोलन के खिलाफ होगा, ना तो ये अलायंस किसी भी हमारे पार्टी या किसी हमारे एजेंडा या किसी हमारी क्रांति बहुजन समाज के उद्देश्यों के विपरीत होगा। इसका मकसद इतना ही होगा कि दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीट जो अब आने वाली हैं, आप लोग कैसे प्लानिंग करेंगे, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे करना है, आप लोग सब सीट शेयरिंग या कंसेंसस बना के या किस तरीके से उसके रूपरेखा बनाएंगे, उसकी आज नींव डालने के लिए हम लोगों ने ये जो प्रयास किया है उसका एजेंडा और उद्देश्य बिल्कुल साफ है। और साफ ये है कि हम लोग आपको ये कुर्सियां, ये मंच ऑफर करते हैं, आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आओ दिल्ली के अंदर एक ऐसी पहल करो जिसका चेहरा शायद हम नहीं होंगे, जिसका चेहरा आप ही रहेंगे। दिल्ली के अंदर एक ऐसी पहल करिए, कहीं ना कहीं से ऐसा एक संदेश देश के अंदर, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा जो ना एक स्टेज या प्लेटफॉर्म बनाइए कि अब हम इस देश के अंदर देश की सत्ता और दिल्ली की सत्ता को लेने के लिए सभी अपने मतभेद मनभेद मिटाकर बहुजन समाज को देश के अंदर आंदोलन क्रांति को आसमान तक ले जाने के लिए इस देश के अंदर हर संभव प्रयास करेंगे कि जो भी चीज हमारे आंदोलन क्रांति की किन्हीं नेताओं ने या किसी किसी भी पार्टी ने, वो कोई भी हो सकती है, अगर कहीं ना कहीं जाके उसको डाइल्यूट कर दिया है, कहीं विचारधारा में, एजेंडा में या किसी न किसी उसकी कार्यशैली में गड़बड़ हुई है, ठीक है, हमारे भाई हैं, हमारे साथी, हमारे संगठन हैं, हम बजाय उनसे कि विरोध करें या बजाय उनके खिलाफ जाके उनके विरोध में जाके अपनी एनर्जी अपना समय धन व्यर्थ करें, हम उनके ना तो विरोध में कोई ऐसी चीज गतिविधि या प्लानिंग करना चाहते और ना ही बिल्कुल प्रो में हम प्लानिंग करने के लिए तैयार हुए हैं। ये एजेंडा बिल्कुल साफ है, ये अलायंस अपने आप में एक मजबूत एक बहुत बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है जिसमें मुख्यतः 100 संगठनों के लोग आ रहे हैं। अभी बहुत लोग ऑन द लाइन हरियाणा में, हरियाणा से, बिहार से, राजस्थान से चल के आ रहे हैं। तो उद्देश्य साफ है, मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, उद्देश्य साफ है कि वास्तव में अगर हो सके कम से कम हमारी नियत पे, ईमानदारी पे किस्त मार्क ना लगाते हुए हमारे काम और व्यक्तित्व को, हमारे इंसानियत और जो दिन रात समाज में हम लोग लगे हुए हैं, अगर उसका थोड़ा सा भी आप लोग दिल दिमाग में कहीं पर हमारे प्रति एक विश्वास है कि यस भाई ये लोग या इनके साथ में जो लोग जुड़ गए हैं, जो लोग आ गए हैं, उनके काम में, उनके व्यवहार में, उनके देश के अंदर आगे बढ़ने की प्रक्रिया में ईमानदारी है, नैतिकता है, सच्चाई है, पवित्रता है, अगर ऐसा आप लोगों किसी भी 1-2% भी दिमाग के किसी कोने से हिस्से से ऐसा एहसास या अनुभव हो रहा हो, तो हम आप लोगों से एलडीएफ की टीम में अब इनवाइट करूंगा एडवोकेट गीता रानी आगे आए।
एडवोकेट अरुणा भारती आगे आए, डॉक्टर देशराज आपके सामने। ये एलडीएफ की टीम जिसका राष्ट्रीय लेवल पे 15 स्टेट्स में हमारा आज क्रिप्टमलाइजन है, 15 स्टेट्स में हम लोगों का आज एस्टेब्लिशमेंट है। जहाँ भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात आप कहेंगे हमारी टीम बनी पड़ी है, उस पूरे देश के अंदर भी हम आगे बढ़ेंगे। सभी बड़े बड़े संगठनों के लोगों से हमारा तालमेल बना हुआ है, चाहे वो बोरकर साहब हो, चाहे सुभाष चंद्र राम हो, तारा राम हो, चाहे वो बड़े बड़े अधिकारी जो भी संगठन चलाते हैं। हम सभी लोगों से आज दिल्ली के लिए, गठबंधन के लिए यहाँ पे प्रयास करने के लिए बैठे हैं, और एक समय ऐसा आएगा बहुत जल्दी, सिर्फ 2-3 महीने के बाद में यही गठबंधन और आप ही लोगों के नेतृत्व में, क्योंकि आज ये सेमी पॉलिटिकल अलायंस बन रहा है, शायद उसमें हम फ्रंट में नहीं रह साथ चलेंगे आप लोगों के लिए, बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर मैसेज है। तो इसलिए ये जो गैर राजनीतिक कहो या बाद में राजनीतिक मंच जो भी बन रहा है, 2 या 3 महीने में दिल्ली के बड़े से बड़े जो भी जगह आप जो डिसाइड करेंगे उसके अंदर लाखों की संख्या में हम भरने का आपको ऐलान करते हैं और विश्वास दिलाते हैं। ऐसा आप बहुत जल्दी फरवरी, मार्च या मार्च अप्रैल में ऐसा देखेंगे। उद्देश्य ये नहीं कि मैं अपनी बात को बड़ा चढ़ाया कह रहा हूँ, उद्देश्य ये है साथियों कि हम चाहते हैं कि वास्तव में कुछ देश में होना चाहिए, कुछ करने के लिए निकले हैं। तो उसके लिए आप लोग अगर तन, मन, धन, बीवी, बच्चे, नौकरी, घर परिवार त्याग के अगर कष्ट करके कुछ कर रहे हो तो आओ हाथ बढ़ाएं, आओ हाथ मिल जाए, साथ चले, और साथ चल के एक ऐसा विश्वास बना के एक ऐसी चीज स्थापित करें जिसके अंदर हम कहीं आगे जाके कम से कम इस देश के अंदर, अगर आज नहीं तो 10 साल बाद, नहीं तो 5 साल बाद, इस देश की सत्ता, जनसंख्या, आपके बच्चे ये कहें कि वास्तव में हमारे समाज के लोगों में एक भाईचारा था, एक विश्वास था, एक दूसरे के प्रति सहयोग थी, फीलिंग थी, समाज के प्रति समर्पण था, आपस में एक दूसरे को सहन शक्ति करने का एक विश्वास और आपस में आगे बढ़ने का हौसला था। कम से कम ऐसा मैसेज हमें देना चाहिए। उसके लिए हम लोग, मैं आप लोगों से ऑफर करता हूँ खुले भवन में यहाँ पे, और इनवाइट करता हूँ कि जो भी आप अभी अगर चाहते हैं कि यस वी आर रेडी टू ज्वाइन विद यू, जो मेन हमारे साथ यहाँ लीडर आए हुए हैं कि हम डॉक्टर साहब दिल्ली में आप बाहर हो जाओ, आप जाइए अपना करिए जो करना है, हम अब बैठेंगे 5-7 जो मेन लोग हैं, हम बैठ के अपना समीकरण बना के और कैसे क्या करके अपने आप दिल्ली के अंदर कैसे हम कम से कम 2-4 यहाँ पे कुछ जीत हासिल कर सकते हैं। अगर इस तरीके से कोई भी साथी, मैं किसी नाम को नहीं अनाउंस करूँगा पर्सनली, जो भी हमारे बीच में हमारे पार्टी के भाई राजनेता हैं, जो भी हमारे संगठनों के पदाधिकारी हैं, जो भी चाहते हैं कि अगर यहीं तक भी मेरी बात से वो सहमत हो गए कि ठीक है भाई आपका नाम और आपके जिस काम से हम सहमत हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं, अलायंस का हिस्सा अभी से बनना चाहते हैं, तो वो लोग सीट खाली पड़ी हैं, हम आपको सीट ऑफर करते हैं। ये संगठन भी आपका है, ये सिस्टम भी आपका है, और आगे जाके चलाने वाले आप ही बनोगे, हम इसमें कुछ नहीं होंगे। सिर्फ एक इरादा है, एक इच्छा है कि इस देश के अंदर अब जरूरत है, और देश के अंदर बहुत क्रिटिकल माहौल है, बहुत चुनौतियों का दौर चल रहा है, बड़ा ही खराब माहौल चल रहा है, जरूरत है कि अपने अपने आप को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज समझौता करके आगे बढ़ के हाथ मिलाएं और एक ऐसा नया मुकाम हासिल करें और एक ऐसा संदेश दें कि लगे कि वास्तव में हम लोगों के अंदर कुछ करने की हिम्मत और हौसला बचा। इसके लिए मैं डायरेक्ट ऑफर करता हूं, जो भी साथी चाहता है, पार्टी का अधिकारी है, संगठन के अधिकारी हैं, जो इसमें सोचता है कि अभी मैं तो भाई इस संगठन के या इस विचारधारा के साथ चलने के लिए आने वाली राजनीतिक काम करना है या सामाजिक काम करना है, मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ या इस संगठन के साथ चल के जुड़ने के लिए तैयार हो गया हूँ अभी से और चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग स्वेच्छा से आगे आए। जो अभी नहीं माइंड मेकअप किया है, हम आपको घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा
थोड़ा बहुत डिस्कस करने का, आप अपनी बात रखने का, डेलीब्रेट करने का, डिबेट करने का भी हम आपको समय देंगे। आपस में रूबरू होंगे, कोई हमारा मतभेद नहीं है, कोई इसमें विवाद नहीं होना चाहिए, किसी पे ऊपर हम यहाँ पे एक्यूजेशन नहीं लगाना है, किसी कमी या किसी के ऊपर कोई पर्सनल कमेंट्स नहीं करना है। उद्देश्य एक है, अगर बना सकते हैं ईमानदारी से तो कोई नई चीज़ बनाएंगे शांति से, प्यार से, विश्वास से। आज अगर आप लोग यहाँ पे आए हैं तो हमारे नाम से, हमारे काम से या हमारे साथ जुड़, हमारे कोई कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई हमारे प्रति सम्मान है तो आप आए हैं। अगर वो डिबेट करके या उसको कहीं ना कहीं ट्विस्ट करके या नेगेटिव बोल के अगर आप ख़त्म कर रहे हैं तो फिर समझिए वो प्यार भी ख़त्म हो जाएगा, वो साथ भी ख़त्म हो जाएगा, वो विश्वास भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कम से कम आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जितने भी आदमी साथी आए हैं हरियाणा से, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली से, इस मीटिंग का एक भी इंस्टेंस झगड़े में, डिबेट में या बहस में नहीं जाना चाहिए। कुछ बनता है तो बना लेते हैं, नहीं बनता है तो हम सब लोग साथ हैं, हम साथ थे और साथ रहेंगे। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं कोई साफ बात नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूँ कि जो साथी आगे आना चाहते हैं इसमें हमारे साथ में अपनी इच्छा से, मुकेश अज्ञानी जी, मुकेश राजौरा जी, अशोक अज्ञानी जी, हम लोगों ने पहले से जो एक कोऑर्डिनेशन का विचार बनाया है तो हम चाहते हैं कि आप आएं, क्योंकि आपने शुरू से ही इच्छा जाहिर की है कि हम इस सिस्टम में आपके साथ, आपके साथ पीछे नहीं है। यहाँ पे पीछे शब्द मैं यूज़ नहीं करूँगा, आपके साथ चलने के लिए इन लोगों ने हमारे को विश्वास। और तो अब जो हमारी जो अपने जो लोग हैं जो एलडीएफ के लिए या इस संगठन के लिए काम करने के लिए, आगे चलने के लिए जो तैयार हैं, जो इस पे वर्कआउट करना चाहते हैं, आप लोग तालमेल बनाएंगे, आप लोगों के साथ में आगे बढ़ के दिल्ली के अंदर नहीं, देश के अंदर मैं ये चाहता हूँ या हम चाहते हैं, सॉरी मुझे वर्ड मैं जो निकल रहा है इसके लिए मैं हाईली अपोलोजाइज करता हूँ मीडिया के सामने। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा अलायंस बन रहा है, ऐसे पहले भी बहुत सारे अलायंस बने हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण पहले भी हुए हैं, लेकिन अगर अलायंस बनाने वाला या बनाने वाले लोग ईमानदारी से, एक अच्छी नीयत और नीति से या एक सूझबूझ से या तन मन धन त्याग और समर्पण से कोई चीज़ बनाते हैं तो शायद उसमें चुनौतियां, संघर्ष तो आते होंगे लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं जाके सफल हो जाती है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक अलायंस देश में जो गठबंधन बनने जा रहा है उसके लिए आप लोग, अब मैं माइक को दे दूंगा, आप लोग जो भी साथी अपनी बात को रखना चाहें शांति से, प्यार से, यहाँ आके बोलना चाहे यहाँ बोलेंगे, यहीं से बोलेंगे। मैं चाहूँगा जो भी साथी आएंगे यहीं से बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे और उसके बाद में जो भी निष्कर्ष निकलता है, जो भी उद्देश्य निकलता है, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, बार बार कह रहा हूँ, इसको खराब या इसको कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा तनाव में नहीं ट्विस्ट करना है। बन जाए हमारी बात तो अच्छी बात है, नहीं बने तो खाने का, लंच का मैंने व्यवस्था की है, हम लोग सब मिल गए हैं इस बहाने हैप्पी न्यू ईयर की, आप लोग सब मीटिंग हो गई है, घर परिवार के लोग हैं, सब लोग प्यार से मिल पल के चले जाएंगे। आप समझना हमारे अपना फंक्शन में खाना खाया, मिल ली, हेलो हाई होगी, लेकिन इसको खराब या ऐसा मैसेज एक भी नहीं देंगे जहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव या कोई ऐसी गतिया बात हम करें। हाँ, अपनी बात जरूर कहें, यहाँ से जैसा भी कहना चाहें खुल के कहें, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और इस टीम में जो मेरे साथ में काम करने के लिए हमारे जो हमारी टीम के जो घटक दल हैं, मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे आदरणीय एडवोकेट आर पी सिंह जी, ये हमारे बिल्कुल, इन्होंने हमें एक विश्वास दिया है, हमारे साथ एक सहमति जताई है कि डॉक्टर साहब आपका काम हमने देखा है, ईमानदारी है आपके काम में, इंसानियत है, सच्चाई है, मैं आपके साथ, ये 68 इयर्स के हैं, 50 साल का इनका सामाजिक अनुभव है, और हमने किसी की पर्सनल उसमें या व्यक्तिगत किसी चीज़ में हम नहीं गए। हमारा एक उद्देश्य है, जो आदमी समाज के लिए डेडिकेटेड है उसके हम हैं और वो
हमारा बस हमारा एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य से हम आज जुड़े हैं। और उसी लाइन में हमारे भूप सिंह जी, खनगवाल जी, हरियाणा पीएम ऑफिस से बहुत बड़े आदमी, बहुत ही सीनियर पद से रिटायर हुए हैं। इन्होंने पहले भी हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए कहा था, अब ये भी इसके अंदर आगे आएंगे बैठ के, इसका कोई जब डिस्कशन होगा जब इसके बारे में आप कुछ बात करना चाहेंगे। और जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, ये तो हमारे अपने भाई हैं ही, इन्होंने मेरे को आंख बंद करके कहा है, हालांकि आप सबने ही कहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कहा है, सबने ही कहा है कि भाई जो भी आप करोगे डॉक्टर साहब, जैसा भी करोगे हम आपके साथ हैं, आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो उसी लाइन में चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी मैं चाहता हूं कि वो आगे आ जाएं, मैं यहां बैठ जाऊं, कोई बात नहीं, आप आगे आए, मैं कुर्सी लगा देता हूँ, ठीक है, कुर्सियों की लड़ाई थोड़ी है, नहीं है ना, तो आपके साथ अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। तो मैं अब अपनी बात को यहीं विराम देते हुए बस एक चीज का मैं अनाउंसमेंट करके बैठ जाऊंगा कि हम लोगों ने जो एक संगठन बनाया था, ये लाइन जरा ध्यान से मीडिया वाले हाईलाइट करें, हम लोगों ने संगठन बनाया था वो आज तक हमारा सामाजिक संगठन था जो लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रंट, आज से वो संगठन इस देश में हमारे लोगों के साथ सूझबूझ से, तालमेल से, प्यार प्रेम से, इज्जत से, शांति से देश की क्रांति और आंदोलन को, बहुजन समाज के वर्चस्व और इतिहास को, आने वाली जनरेशन को शासक बनाने के लिए उस संगठन को हम आज से सेमी पॉलिटिकल उसको अनाउंस करते हुए इस संगठन से हम जो है अब विदा लेते हैं। और आगे की कार्रवाई जो भी होगी, यहाँ जो टीम बनेगी उसकी हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट गीता रानी और साथ में जो टीम बैठी है, एक चेहरा जो हम अनाउंस करना चाहते हैं, हमारे साथ जिन्होंने दिन रात काम किया है और आगे चल के हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए काम करेंगे अब हम। ऐसे हम नाम को हम प्रपोज करते हैं, एडवोकेट गीता रानी जी एक बार खड़े हो जाएं। हम चाहते हैं कि हम भी, मैं खुद पर्सनली कल से आज के बाद जब ये संगठन सेमी पॉलिटिकल हो जाएगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं सोशल आदमी रहूँगा, मैं सामाजिक ही रहूँगा, जब आज के बाद जब ये सेमी पॉलिटिकल ग्रुप बनेगा, जहाँ पर भी जैसा भी आप लोग आप तालमेल से काम करेंगे, जो भी होगा, मैं संगठन का हिस्सा नहीं हूँ लेकिन संगठन के लिए हर तरीके से अपना जो भी मेरी भूमिका रहेगी सामाजिक तौर पे, क्रांति, जागरण, आंदोलन, उसमें मैं हमेशा इस टीम के लिए हमेशा साथ में रहूँगा, तत्पर रहूँगा, सहयोग में रहूँगा। बस इसके बाद में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आई एम थैंकफुल टू माई डियर कलीग्स, आई एम थैंकफुल टू माई टीम एंड आई एम थैंकफुल टू मीडिया कि हम आज जो उद्देश्य लेके आए हैं, उस उद्देश्य पर हम आगे किस तरीके से एक अच्छा निष्कर्ष निकाल पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, उसके लिए हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं, आप सबका धन्यवाद करते हैं और एक उम्मीद करते हैं कि शायद हम लोग कोई भी मेरी बात को पर्सनल ना लें, कोई ऐसा ना समझे, कोई पहले से कोई आप लोगों ने ऐसा कुछ, हमने इस चीज़ के लिए कोई पहले से कोई वो है, हम अभी भी एक घंटा जो भी साथी यहाँ पे आके अपनी बात कहेगा और जिस भी तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, जो भी एक्शन प्लान होगा, जो भी गाइडलाइन आप निर्धारित करेंगे, जिस तरीके से भी इस देश में सिस्टम बना पाएंगे, उसके लिए मैं ये मंच खाली करता हूँ और मंच की संचालन के लिए हमारे अगले सीनियर मोस्ट जो यहाँ हैं एडवोकेट आरबी सिंह जी जो सबसे सीनियर हैं, उनको मैं चाहूँगा वो आगे किसको बुलाएं, कैसे चलाना है, आप ये मंच में आप लोगों की अनुमति के साथ में एडवोकेट आरबी सिंह जी को सौंपता हूँ। आपका सबका धन्यवाद करते हुए जय भीम के साथ में आपका भाई आपके साथ हमेशा प्यार से, तन मन धन से।